अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शेख सिस्टर व्लॉग्स। सॉरी थोड़ा सा लेट व्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर चुकी थी। वो मैंने आज हम आपको दे रहे हैं आलू के कबाब की रेसिपी या आलू के टिक्के की रेसिपी। उसके लिए मैंने 8 अदद जो है वो आलू उबाल लिए थे दरमियाने साइज के। जब वो बॉयल हो गए तो उन्हें छील लिया, अब उन्हें मैं कांटे की मदद से मैश करी। इससे ये होता है कि आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो देखिए तकरीबन मैंने ये मैश कर लिया है, हम इसको मैश कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ग्लास या ग्रेटर की मदद से भी इस तरीके से आलू को कर सकते हैं। तो मैंने आलू मैश कर लिए हैं, प्याज भी काट लिए बारीक जैसे ऑमलेट में डलती है, और अब मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ। मैं कटिंग बोर्ड यूज नहीं करती क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैंने बचपन से इसी तरीके से कटिंग सीखी है, तो और इससे मैं जल्दी भी काम कर लेती हूँ और मुझे आसानी भी रहती है। मैंने 3 अदद जो है बारीक हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैं काट रही हूँ जल्दी जल्दी। मिर्च कर गई है, इसके बाद मैं थोड़ा सा पुदीना डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसकी पत्तियां मैंने धो ली हैं और उन्हें मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। मुझे अच्छा लगता है पुदीना। मैं जो है मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डाल ली हूँ बारीक काट के, क्योंकि कबाब देखिए आलू जो है वो मैंने 8 उबाले थे लेकिन मैश हो गए कितने से हो गए, और मुझे लग रहा है अफसोस हो रहा है मुझे कि ये कम हो जाएंगे। मुझे लग रहा है सुबह नाश्ते में भी नहीं होंगे। एक तो ये बड़ा सीन होता है जिन लोगों को नाश्ता जो है पराठे के साथ या रोटी के साथ सुबह सालन खाने की आदत हो ना, सुबह सालन ना बचे ना, तो एक मसला हो जाता है। उसके मैं आपको हल्के टिप्स दूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुबह नाश्ते में बनाते हैं, अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर सालन खत्म हो जाएगा सुबह क्या बनना चाहिए अदर देन अंडा। अंडा हमें इतना नहीं पसंद भाई, जो साफ सी बात है। इसी से मैंने काट ली है, अब मैं इसको शामिल कर दूंगी इनमें। सबसे पहले ये प्याज मैंने चॉप की हुई है, मैं डाल दूंगी। एक दरमियानी साइज की प्याज है, बल्कि दरमियानी से भी छोटी ही प्याज है। और ये मैंने धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज जो आपके सामने काटी है वो शामिल कर दूंगी। ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी ये कबाब आलू के अच्छे नहीं लगते हैं, तो बस इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च डाल दूँ, किसी 1/4 जो है वो पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, उनके करीब मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है, और अब हसबे जायका नमक है। नमक एज यू नो मैं हाथ से ही डाल दूँ। तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब होगा। इसको हम कर लेंगे हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स। भाई आप लोग कहीं ये समझे कि भाई मैं बहुत गंदी हूँ, भाई मेरे हाथ धुले होते हैं कुकिंग करने से पहले। ग्लव्स मुझे लाने हैं मगर मैं बार बार भूले चले जा रही हूँ। बट मेक श्योर कि आपके नेल्स कटे हो। हाँ, क्योंकि जो यस नेल्स जो है वो कटे हुए होने चाहिए, बिकॉज नाखून पर एक गंदगी ही लगती है। बस ये हमारा आलू का जो है बैटर आलू के कबाब का तैयार हो गया है। अब मैं इसकी टिकिया बना लूँगी, यानी इनको कबाब का शेप दे दूँगी एंड जस्ट उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के।
मैंने एक पैन ले लिया है, शैलो फ्राई करेंगे कबाब। तो उसमें मैं 3 जो है वो स्पून ऑयल के डालूंगी, नॉट द टेबलस्पून, ये बड़ा वाला स्पून है जो मैं ऑयल मिश्रण के लिए यूज करती हूँ। अंडा मैंने फेंट लिया है, अब तेल गरम होने देंगे। अंडा आपने देखा मैंने कितना अच्छा फेंटा है, बिल्कुल बर्गर वालों की तरह बन रही हूँ, बन कबाब वाले जो होते हैं ना उनकी तरह। सो अब मैं जो है फ्राई करूंगी, मैंने अंडा फेंट लिया है, ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। ब्रेड क्रम्स मैंने इस तरीके से तैयार किए, जो ब्रेड थी ना उसके मैंने शाही टुकड़े बनाए थे कल परसों, तो उसके किनारे जो थे ना उनको सुखा लिया था और आज मैंने इनको पीस लिया। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस लें, या तो फिर बेलन की मदद से आप पटरे पर भी पीस सकते हैं। तेल हमारा देखिए गर्म हो गया है और बस अब हम इसमें कबाब तलना शुरू करेंगे। डिप करा अंडे में, ब्रेड क्रम्स लगाएं हर जगह से अच्छे से और नाउ देन पुट इट इनटू ऑयल। मेक श्योर कि ऑयल ठीक गर्म हो वरना आलू जो है वो चिपक जाएंगे आपके बेस पे। अगेन डिप, ब्रेड क्रम्स लगाए हमने एंड हियर यू गो। लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज अगर हम आज में फ्राई करेंगे तो हमारे ब्रेड क्रम्स भी जल जाएंगे और आलू का टेस्ट भी जो है ना जलने की वजह से मेरे कबाब का टेस्ट यानी कि आलू के जो कबाब है उनका अच्छा नहीं है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, लाइट गोल्डन ब्राउन, हमें ये कलर चाहिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखिए मैं इसको चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करूँगी। कबाब मैंने बना लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने और प्याज के रिंग काट लिए हैं मैंने। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। प्लीज प्लीज सपोर्ट अस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज शेख सिस्टर व्लॉग्स। और नमाज को कायम रखिएगा, अल्लाह ताला को याद करते रहें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।